का पानी नहीं है, उनका आयाम का छोड़ा हुआ पानी है। और आगे भी आपको दिखाते हैं किस तरह से छोड़ छोड़ के छात्रों को परेशान कर रहे हैं। अब आप अंदर दिखाते हैं आपको आए हुए हैं। और हम जैसा कि बता रहे हैं ये हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल एक और दो, और ये गर्ल्स हॉस्टल है। और देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसा कि रात में आपको हम दिखाए भी थे वीडियो भी माध्यम से, यहाँ ये बता रहे हैं अभी जस्ट यहाँ पर लाइट था ना, और लाइट बंद करने जा रहे थे, इतना पानी कर दिया गया है, दलदल बना दिया गया है हॉस्टल, क्योंकि ये चाह रहे हैं आई एम का ये पर्पस है कि किसी तरह यहाँ से मगध विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं हॉस्टल में रहते हैं उनको किसी तरह से खाली करवाना है। आधा ज़मीन तो ये ले चुके हैं किसी तरह से, ये जो ज़मीन है मगध विश्वविद्यालय का सामने, ये जो रोड जा रहा है हम सब का रिंगवे था जो है ना, उसको बंद भी कर दिया गया। आओ इन सब का तुझे कितना परेशानी, आपको आगे दिखाते हैं कैसे मोटर लगा के कितना दिन से बहा रहा था आपको पता है लगभग, तो कल तो बहा ही रहा था, कल तो नहीं चालू कर, मतलब तीन चार दिन से इन्हें चालू कर ले है। हाँ, किसी तरह से इसको दलदल बना देना है, अपना तो सुख रखना है, दूसरे को परेशान करना है। दिखाते देखिए क्या इनका प्लानिंग था। हाँ, रात में हटाया होगा, कहे कि रात में बवाल हुआ है, पूरे भीसी साहब आए हैं, पूरे भीसी साहब आए हैं, आज नहीं हटाया। देखिए पूछ लीजिए इनसे, एक नहीं चार चार दिन, कल भी चालू था ना, मतलब चार पांच दिन से चालू पड़े पानी। और देखिए कैसे ये चालू करते हम दिखाते हैं आपको, रात का समय था इसकी वजह से नहीं दिखाया था। यहाँ पे ईटा जो दिख रहा है देखिए, यहाँ पे जो ईटा दिख रहा था यही ना, यहाँ पर से देखिए पानी जो है यहाँ से देखिए बता रहे खुद हम आपको बोल रहे देखिए, और यहाँ से ये ऐसे करके इसमें छोड़ देना है, क्योंकि इसमें छोड़ देंगे ये पानी से भर जाएगा, जब ये भर जाएगा तो ये हॉस्टल खत्म हो जाएगा, मगध यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल नहीं रहेगा फिर, उसके बाद वो हॉस्टल पर निशाना है इन सब का, मतलब ये कब्जियाना है। देखिए इनका बाउंड्री जो दिया गया था यहीं तक था, ये सब यहाँ तक छल लगा लिए। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं, ये हम सब का रोडवे था जो देखिए कैसे ये इनका, एक सेकेंड सर थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो पानी है इनका, ये सब निकालते हैं यहाँ से, देखिए ये जो इनका पानी भर गया इतना, और ये जो पानी आपको दिख रहा है ये देखिए, ये पानी जो दिख रहा है यही पानी ये जो है ये भरने की कोशिश में है मगध विश्वविद्यालय के अंदर। और जो इनका एक हम सबका रोडवे था, रोडवे कहने मतलब आप कहीं भी आते तो एक पाथवे होता है कि आप उसमें घुसिएगा तो पूरा यूनिवर्सिटी घूम लीजिएगा, समझे। ये अल्पसंख्यक हॉस्टल है, इसको भी ये बंद करवाना चाहते हैं। हॉस्टल टोटल 7 से 8 हॉस्टल था, उसमें तो हम सबको विश्वास नहीं कीजिएगा, हॉस्टल नंबर 1 बचा हुआ है, ये भी एक हॉस्टल था बहुत बड़ा लगभग 200 बेड का, ये भी खरीद लिए हैं। और खरीदने के बाद विश्वविद्यालय को दिया गया है कि ये हम सबको हॉस्टल बना के देंगे, बट कहाँ बना रहे हैं, ये लगभग 3 से 4 हॉस्टल ले चुके हैं, 200 बेड का सबसे बड़ा बड़ा हॉस्टल। हम आपको एक छत पे जाके दिखाते हैं ये जो हम सबका हॉस्टल था, इसलिए हम आप सभी छात्रों को बोलते हैं, तुम सब कहते हो कि हॉस्टल हॉस्टल, कैसे हॉस्टल मिलेगा यार, तुम सब आओ ज़्यादा संख्या में क्लास करो। उसके बाद यही बात भीसी साहब के पास जाना चाहिए, रात में 12:30 बजे प्रो भीसी साहब आए थे यहाँ पे, मुआवना किए थे, दिखाए भी थे, ये आपको नहीं दिख रहा होगा बट आज हम आपको छत पर चढ़ के दिखाते हैं किस तरह से हम सबका हॉस्टल का जो कहिए आईएम ले लिया। और उसके बाद जो रोड भी बंद कर दिया गया, ये हम सबका इधर का 30 फीट का रोड था उसको भी बंद कर दिया, ये हॉस्टल नंबर 7 था, ये दिखाते हैं आपको चढ़ के भरा है, जब से देख सकते हैं वो हॉस्टल अभी भाई ये भी यहीं के हैं, कि क्या है आप हॉस्टल के, हम इलेक्ट्रिक मिस्त्री हैं। और यहाँ से बोल रहे हैं, सुनिए इनसे भी, हमें नहीं बोले, ये बोल रहे हैं कि लगभग 2-3 दिन से बहा रहा पानी हुआ। देखिए अब वो जो आपको पानी दिख रहा है वहाँ, हमको जूम करके दिखाते हैं, वो पानी जो दिख रहा है वो सब हॉस्टल में पहुँचाना चाह रहे हैं, हॉस्टल में पानी ये। और देखिए हम सब का जो 30 फीट का जो रोड है, ये रिंगवे रोड जो पहले भी था ना, ये उसको भी बंद कर दिया। आपको दिखा रहे हैं ये चीज़, हम ये अल्पसंख्यक छात्रावास में पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ भाई हैं, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मज़ा अच्छा कर रहे हैं। और देखिए हम सबका रोड देखिए, हम लोग ये देखिए इनका वहाँ से कट के था, वो जो बनाए हैं हम सबका, ये जो आप दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट ऑफ इधर क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी, और उधर आपको मगध विश्वविद्यालय का मेन गेट वो प्रशासनिक भवन, ये रोड ये देखिए रोड था ना इधर, तो ये बंद कर दिया फिर, जबकि ये हम सब का अंदर में है। हाँ, लेकिन नहीं आप वो लोग नहीं हम ही सब का अंदर में देखिए, क्योंकि वो अभी इनका अंदर में होता तो रोड ऐसे बनाए हैं, वहाँ से उनको 30 फीट देना पड़ेगा, तो ये रोड ऐसे करके घुमा के ले जाते हैं। ये देखिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मस्त बना रखे, ये जो हॉस्टल है ये हॉस्टल नंबर 7 था, जो पहले मगध विश्वविद्यालय का हॉस्टल था, 200 बेड का हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 7 था, हाँ 200 बेड का। उसके बाद हॉस्टल नंबर वो 6 जो भी मगध विश्वविद्यालय का था, हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 3, 1, 2, 3, 4 हॉस्टल आपको भी दिख रहा है।
और पांचवा हॉस्टल जो ये तोड़ के विध्वंस कर दिए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। छात्र हो मगर दिन में छुट्टी के, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो हॉस्टल गड्ढा ये है, ये हॉस्टल नंबर कितना था? पांच था। सही बात, ये हॉस्टल नंबर पांच था जिसको तोड़ के पूरी तरह से देखिए क्या कर दिया गया है, विध्वंस कर दिया गया है। और एक हॉस्टल भी ये सारे नहीं बनाए हैं, एक हॉस्टल भी नहीं। स्विमिंग पूल बन रहा है। हाँ, इनका स्विमिंग पूल बन रहा है। बाकी हम सबके सोचिए, ये सुविधा सब चाहिए, एक हॉस्टल नहीं बना रहे हैं ये IIM वाले दे रहे, जबकि इनको मगध विश्वविद्यालय को जितने ये हॉस्टल लिए थे उनका उन्होंने साइन भी किए हैं कि मगध विश्वविद्यालय को हम हॉस्टल बना के देंगे, समझे। बट देखिए एक हमारा जो नया हॉस्टल अलाउट बन रहा है, वो देखिए वो वाला, वो भी बने, नया हॉस्टल बन रहा है हम सबका, लगभग 200 बेड का। वो आप सोचिए पांच पांच ये हॉस्टल ले चुके हैं, समझे छात्र। यही छात्रों को मैं बता दिखाना चाहता हूँ, पांच पांच ऐसे हॉस्टल ले चुके हैं, आज तक एक हॉस्टल भी ये नहीं दिए हैं। दो साल के ये हॉस्टल नंबर 7 में हम रहते थे, वो आपको दिख रहा, टंकी के नीचे मेरा रूम था, सब चला गया। पुरानी यादें को सोचिए कैसे आदमी समझता है। जहाँ ये रोड यहाँ हो जाएगा, छात्रों को कितना सुविधा हो जाएगा, समझ रहे हो। ये हॉस्टल में आने के लिए आपको वहाँ से घूम के नहीं आना पड़ेगा, उस साइड से आराम से मेन रोड से इधर से कट लेंगे। तो ये बहुत जल्दी ये रोड खुलना चाहिए रिंग वे। वो ले लिए तो ले लिए, लगभग 150 बीघा ले चुके हैं, ले लिए बाकी ये खुलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे ये रोड खुलना चाहिए रिंग वे, और खुलने से हम छात्रों को बहुत सुविधा होगा। जो फिजियोथेरेपी वाले हैं उतना घूम के जो जाते हैं क्लास करने, डायरेक्ट इधर से आएंगे आराम से अपना हॉस्टल, फिजियोथेरेपी वाले चले जाएंगे। तो ये सुविधा होनी चाहिए, ठीक। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि जब भी छात्र ज़्यादा छात्र आए और इस पर बड़ा सा आंदोलन होगा, तभी ये कुछ करेंगे IIM वाले, अन्यथा कुछ नहीं कहेंगे। आज पानी छोड़ रहे हैं। आप हॉस्टल भी दिखा दें, अल्पसंख्यक हॉस्टल। अब आपको लेकर चलते हैं कहाँ, BEd हॉस्टल, जहाँ BEd के छात्र रहते हैं, और आपको दिखाते हैं किस तरह BEd के चारों तरफ ये पानी से दलदल कर दिए हैं। सोच लीजिए अपना ही स्विमिंग पूल बनाने के लिए छात्रों को किस तरह से यहाँ से परेशान कर रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को इस तरह इस नज़रिए से देखा जाता है कि पूछे नहीं। अरे हॉस्टल में एक से एक छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से सब, उसके बाद भी इनका देखिए कितना प्रताड़ित किया जा रहा है छात्र को। चलिए आपको दिखाते हैं हॉस्टल नंबर कल्पना चावला, इसमें किस तरह से पानी भर दिए हैं। ये हॉस्टल नंबर कल्पना चावला देखिए, आपको मेन गेट पर कितना पानी है, उसके बाद अंदर आपको दिखाते हैं कल्पना चावला देखिए। एक इनका ये मंसावली है किसी तरह से छात्रों को किसी तरह से प्रताड़ित करना है। और दिखाते हैं आपको पूरा हॉस्टल, देखिए आपको यहाँ पानी पूरा भरा हुआ है। ये बरसात का पानी नहीं है, उनका IIM का छोड़ा हुआ पानी है। और आगे भी आपको दिखाते हैं किस तरह से छोड़ छोड़ के छात्रों को परेशान कर रहे हैं। अब अंदर दिखाते हैं आपको।